ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 15 दिन में 45 जनसभाएं करके अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पहले कभी किसी पार्टी ने इतनी रैलियां नहीं की और न कोई पार्टी भविष्य में ऐसा कर पाएगी। पार्टी ने हरियाणा में एक ही दिन में 4 और 7 जनसभाएं भी की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। पिछले 15 दिनों के अंदर हमने हरियाणा भर में 45 बड़ी रैलियों का आयोजन किया है। ये सारी पार्टियां कहती हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या है। आज मैं आपको बताता हूं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या है। किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको मिले तो उसको ये कहना कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करके दिखाओ पूरे हरियाणा के अंदर, जैसे आम आदमी पार्टी ने की है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज पूरे हरियाणा के अंदर 4 बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी की। पिछले रविवार को आम आदमी पार्टी ने 7 बड़ी जनसभाएं एक साथ एक ही दिन में की। किसी भी पार्टी का कोई नेता आपके पास आए तो उसको ये कहना कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो तुम भी एक दिन में 7 रैली हरियाणा के अंदर करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सकते हो। पूरे हरियाणा के अंदर लोग हमेशा से ये कहते आए हैं, कहते हैं एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, जाएं तो जाएं कहां। कभी कुएं में गिरना पड़ता है, कभी खाई में उतरना पड़ता है। इस बार इस कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी का रास्ता भी है। वो पगडंडी सीधे आम आदमी पार्टी तक आती है, सीधे अरविंद केजरीवाल तक आती है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन कि इस बार सबको मौका आपने देके देख लिया हरियाणा के अंदर, इस बार एक मौका अपने बेटे, अपने हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को एक मौका इस बार दीजिएगा हरियाणा के अंदर। आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, आपके बच्चों का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चिंता है वो सारी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ऊपर ले ली है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आम आदमी की सरकार आएगी तो हरियाणा का सुनहरा भविष्य बनेगा। इन रैलियों में पार्टी के सभी नेताओं ने मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी को लेकर भाजपा को जमकर घेरा। साथ ही इन मुद्दों को अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों से भी जोड़ा, जिनमें फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त और बेहतरीन शिक्षा, रोजगार और महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये सम्मान राशि देना शामिल है। इसी के साथ दादरी में बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भाजपा राज में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां भी नहीं मिलती, वहीं पंजाब में हमने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार जनता को मुहैया कराया है। हमने वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करनी नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हिसार के नलवा में बदलाव जनसभा में कहा कि हरियाणा के हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने की है, हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे, इसके लिए सभी को झाड़ू का बटन दबाना होगा। किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने बहुत सारी प्लानिंग की है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे, मंजूर है आप सबको? इसके लिए आपको झाड़ू का बटन दबाना होगा, दबाएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि एक तरफ भाजपा के राज में बंद हुए 3000 सरकारी स्कूल, भाजपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी, दूसरी तरफ दिल्ली वालों ने चुनी ईमानदार सरकार, केजरीवाल ने वर्ल्ड क्लास के दिल्ली के सरकारी स्कूल बना दिए। जिस बीजेपी के राज के अंदर खुलेआम गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती, जिस बीजेपी के राज के अंदर खुलम खुला स्कूलों को बंद किया जा रहा, अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है, कई कई घंटे का बिजली का कट है और महंगे बिजली के बिल हैं। अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे हर जगह भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, पोर्टल के नाम पे लगातार भ्रष्टाचार है, नए हॉस्पिटल बन नहीं रहे। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना, उस सरकार ने, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों के अंदर कन्वर्ट किया। इसी के साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा, कांग्रेस समेत सभी अन्य पार्टियों को जमकर घेरा, साथ ही स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कहा कि प्रदेश की बुरी हालात से निजात पाने के लिए एकमात्र विकल्प अब आम आदमी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।